इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और ये स्टॉक मैं पहली बार नहीं दे रहा हूं, मैंने पहली बार पहले भी दिया हुआ है और एक ही बार दिया इनफैक्ट 26 मार्च 2021 को, तब बहुत निचले लेवल्स पे दिया था और उसके बाद से गजब का चला। और ये कंपनी बहुत गजब की कंपनी है। मुझे सबसे बढ़िया वो लगा कि कंपनी, देखिए जब आपको 600-700 करोड़ में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर मिल जाए, और ये कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कैम ऑपरेटेड रोटरी स्विचेस, और 25% मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर, तो इस तरीके का मतलब सबसे बढ़िया बात ये लगी। और ये कंपनी देखिए इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस देती है, स्विच गियर्स बनाती है, वायर्स एंड केबल्स बनाती है, एनर्जी मैनेजमेंट बिजनेस में भी है, और जो कैम ऑपरेटेड रोटरी स्विचेस है और वायर डक्ट्स है इनमें तो ये गजब का काम कर ही रही है। तो ये इतना खासा मतलब इनका पोर्टफोलियो है, तो वायर्स एंड केबल्स भी जो बनाते हैं वहां से करीब अच्छा खासा इनका रेवेन्यू शेयर आता है, और वायर्स एंड केबल्स वाले स्टॉक वैसे ही बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल स्विच गियर्स वाले, कैपिटल गुड्स वाले कंपनियां बढ़िया कर रही है। कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया, कोयम्बतूर बेस्ड कंपनी है और 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनकी। और सबसे बढ़िया बात है कि क्लाइंट बेस बहुत जबरदस्त है, मैनेजमेंट की क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, और क्लाइंट बेस में देखिए भेल, इंडियन रेलवे, सीमेंस और ये सारी कंपनियां कर ही रही है बढ़िया। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत बढ़िया है, करीब कंट्रीज में ये लोग अपना प्रोडक्ट मुहैया करवाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और L&T के डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू इन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी फैला रखी है और खुद का भी नेटवर्क है। तो करीब 350 करीब डिस्ट्रीब्यूटर्स उस तरीके से उनके पास है। और इन्होंने एक अभी एक्विजिशन भी किया था केसी इंडस्ट्रीज, जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन प्रोडक्ट्स में है, जो कि इनके सब्सिडियरी है। और इन्होंने अब ईवी, जब ईवी की बात आती है, इलेक्ट्रिकल्स की बात आती है, तो ईवी इज द बजवर्ड, और यहाँ पे ये लोग ने एक नया जेवी बनाया है जो कि एक जर्मन कंपनी के साथ इन्होंने जेवी किया। ई व्हीकल्स में कुछ फास्ट चार्जर्स और डीसी चार्जर्स ये सब बनाने का काम कर रहे हैं, तो आई थिंक, और कुछ ईवी कन्वर्जन किट्स भी बना रहे हैं ऑटो और ये सब के लिए। तो ईवी का नाम लगते ही वैसे ही पड़ लग जाते हैं आजकल तो मार्केट्स में, और स्टॉक ऊपर से बढ़िया करेक्ट भी हुआ है। और मैं ओवरऑल देख रहा था इनके क्रेडिट रेटिंग्स, दे आर ऑल्सो वेरी गुड, A1 क्रेडिट रेटिंग है, विच ऑल्सो गिव्स बिग कॉन्फिडेंस। क्वार्टरली रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहे हैं, टॉप लाइन बहुत बढ़िया, और एक प्रोडक्ट से आज 15 प्रोडक्ट्स पे कंपनी पहुंच चुकी है। सो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। और मैं फंडामेंटल्स पे आता हूं, तो 12-13% की कैगर रही है पिछले 5 साल में प्रॉफिट की, सेल्स की कैगर पिछले 3 साल में 21% की, और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो सितंबर 2022 में जो बॉटम लाइन था वो करीब 9 करोड़ का था, 8 करोड़ 95 लाख, उसके सामने 9.5 करोड़ के लगभग सितंबर 2023 में, तो मार्च 2022 पूरे साल में 22 करोड़ के सामने, मार्च 2023 में 36 करोड़ का पैट, और टीटीएम बेसिस भी हाईएस्ट एवर पैट और हाईएस्ट एवर टॉप लाइन, 1100 करोड़ की टॉप लाइन की कंपनी हमें 625 करोड़ में मिल रही है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। और मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था, दैट इज ऑल्सो वेरी इंप्रेसिव। FII/DII भी करीब 6-7% होल्ड करते हैं, और कुछ लीडिंग नेम्स है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वहां पे लीडिंग नेम्स है जो कि होल्ड करते हैं शेयर्स को, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए लेवल्स पे 430-450 के टारगेट के।